हैप्पी नर्सेस डे टू ऑल, हैप्पी नर्सिंग ऑफिसर्स डे। सो आज से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया रूल लाया है। सो जो नर्सिंग ऑफिसर्स को, मतलब जो हॉस्पिटल में काम करता है, जो ब्रदर सिस्टर्स जो बोलता है, वो वर्ड हटा दिया। अभी जो भी है नर्सिंग ऑफिसर्स करके बनाया है, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ को नर्सिंग ऑफिसर्स, जो सीनियर्स होता है और सीनियर मतलब वार्ड इंचार्ज वगैरह होता है उसको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करके कहता है। सो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सब स्टेट में इम्प्लांट किया है नर्सिंग। सो वंस अगेन आई विश टू ऑल ऑफ यू हैप्पी नर्सिंग ऑफिसर्स डे। ओके, मैं आज मेगालोप्लास्टिक एनीमिया के बारे में स्टडी करने वाला है। सो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था अप्लास्टिक एनीमिया। सो अप्लास्टिक एनीमिया डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट सब देखा था। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग मेगालोप्लास्टिक एनीमिया। मेगा मीन्स बड़ा, मेगा मीन्स बड़ा, ब्लास्ट मीन्स प्रोडक्शन। ओके, बड़ा बड़ा प्रोडक्शन होता है मेगालोप्लास्टिक एनीमिया। ओके, रेड ब्लड सेल्स बड़ा बड़ा साइज प्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है, वो यूजलेस होता है, मतलब हमारा बॉडी में काम के लिए आता भी नहीं है। इसके वजह से, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स अगर अब नॉर्मल ज़्यादा प्रोडक्शन हो गए तो, मतलब साइज एंड शेप ठीक से नहीं हो गए तो वो हमारा बॉडी सेल्स के काम के लिए नहीं आता है। इसके लिए क्या होता है, एनीमिया होता है। इस टाइप का एनीमिया को हमने मेगालोप्लास्टिक एनीमिया बोलता है। मेगा मीन्स बिगर, मेगा मीन्स बिगर साइज, प्लास्टिक मीन्स प्रोडक्शन, बिगर साइज प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। दिस बिगर साइज प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स आर लार्ज एब नॉर्मल इमेच्योर। ओके, लार्ज होता है, एब नॉर्मल होता है, इमेच्योर होता है। सो इसके लिए वो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में जैसे इमेच्योर आता है कि दीज आर यूजलेस फॉर दी बॉडी सेल्स, दीज आर यूजलेस फॉर द बॉडी सेल्स, के दैट विल लीड टू दी एनीमिया। उसके वजह से एनीमिया होता है। उस टाइप का एनीमिया को हमने मेगालोप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सो डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ मेगालोप्लास्टिक एनीमिया, इट इज अ टाइप ऑफ एनीमिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, टाइप ऑफ एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ यूजुअली लार्ज, फॉर्मेशन ऑफ यूजुअली लार्ज एबनॉर्मल इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स। ओके, लार्ज एबनॉर्मल इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हमने, मेगालोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, कॉल्ड एज मेगालोप्लास्ट बाई दी बोन मैरो, बोन मैरो से लार्ज एब नॉर्मल इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है। विच आर रिलीज इन टू दी ब्लड सर्कुलेशन, वही ब्लड सर्कुलेशन में लार्ज इमेच्योर एब नॉर्मल ब्लड सेल्स आते हैं। सो ये क्यों होता है, ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12 एंड फॉलिक एसिड। हमारा बॉडी का अंदर आरबीसी प्रोडक्शन होने के लिए फॉलिक एसिड प्लस विटामिन बी12 मेन इंपॉर्टेंट चाहिए होता है। सो ये डेफिशिएंसी वजह से आरबीसी क्या होता है, इमेच्योर होता है। ठीक है, इस टाइप का एनीमिया को हमने मेगालोप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। उसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, देख लीजिए। आरबीसी कहाँ से प्रोडक्शन होता है, पेरिफेरल स्टेम सेल से होता है। स्टेम सेल से दो टाइप्स के सेल्स डिवाइड होते हैं, कॉमन लिम्फेटिक स्टेम सेल्स ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। ओके, दूसरा कॉमन मायोलाइट स्टेम सेल्स, कॉमन मायोलाइट स्टेम सेल से थ्री टाइप्स का सेल्स डिवाइड होता है। ओके, एरिथ्रोसाइट सेल्स से रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, मेगाकेरेट सेल्स से प्लेटलेट बनाते हैं। ओके, और एसिनोफिल्स न्यूट्रोफिल्स भी बनाते हैं, किससे, तीसरा टाइप का सेल्स है। ओके, हमने अप्लास्टिक एनीमिया में देखा था, अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन मायोलाइट सेल्स, कॉमन मायोलाइट सेल्स डिस्ट्रक्शन हो गए तो ना आरबीसी बनता है, ना डब्ल्यूबीसी बनता है, ना प्लेटलेट बनता है। ओके, दैट इज अप्लास्टिक एनीमिया। मेगालोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, कॉमन मायोलाइट स्टेम सेल्स प्रोड्यूसेस द एरिथ्रोसाइट सेल्स। पहला आरबीसी एरिथ्रोसाइट होता है, एरिथ्रोसाइट के बाद अर्ली नॉर्मोसाइट होता है, अर्ली नॉर्मोसाइट्स के बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, स्टेजेस होता है। आरबीसी सडनली बनते नहीं है। ओके, वो आरबीसी का मॉर्फोलॉजी होता है। फॉर एग्जांपल इधर है एग्जांपल, ये सबसे पहला आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है। सो आरबीसी में आरबीसी एनाटॉमिक फिजियोलॉजी क्या होता है, आरबीसी इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है। ओके, सबसे पहला वो कॉमन मायोलाइट स्टेम सेल्स है, मतलब बोन मैरो से आरबीसी प्रोडक्शन होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। ओके, बड़ा होता है, 20 माइक्रॉन जैसा होता है। एक्चुअली आरबीसी का नॉर्मल आरबीसी का साइज 7 to 8 माइक्रॉन।
ठीक है, 7 to 8 माइक्रोन नॉर्मल आरबीसी का साइज होता है। तो सबसे पहला वो बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है, उसमें उसका साइज होता है 20 माइक्रोन जैसे होता है, बड़ा साइज होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। जैसे धीरे धीरे होता है तो एरिथ्रोसाइट से अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट होता है, अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट के बाद थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस ठीक है निकल जाता है ठीक है, और उसका साइज फिर से थोड़ा कम होता है उसके बाद ठीक है। नॉर्मल मैकेनिज्म बोल रहा हूँ, उसके बाद क्या होता है और थोड़ा सेल्स कम सेल्स का साइज कम होता है, और भी न्यूक्लियस निकल जाता है, और भी सेल्स कम होता है, न्यूक्लियस वेरी लेस ठीक है। लास्ट में क्या होता है नॉन न्यूक्लियेटेड होता है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है, एक रेड ब्लड सेल्स बनता है, उसका साइज 7 to 8 माइक्रोन होता है। दिस इज व्हाट नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मल आरबीसी बड़ा साइज ही प्रोडक्शन होता है, बट यंग स्टेज में ब्लड सर्कुलेशन में ये बोन मैरो में होता है, ये बोन मैरो में ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेशन में पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में, वो ब्लड सर्कुलेशन में आने टाइम तक ये क्या होता है एक रेड ब्लड सेल्स होता है। आरबीसी में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है ठीक है, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। एक मेच्योर आरबीसी, मेच्योर आरबीसी इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ हीमोग्लोबिन ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। पर ये मेगालोब्लास्टिक ये इस स्टेज से ये आरबीसी बनाने के लिए विटामिन बी12 फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है इसके अंदर ओके। विटामिन बी12 फॉलिक एसिड है तो ये नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होता है, पर विटामिन बी12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ये जैसा प्रोडक्शन होता है बोन मैरो से वैसा ही पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में आता है। इतना बड़ा साइज ही पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में आता है, मतलब बड़ा साइज है तो आरबीसी साइज बड़ा है, इमैच्योर है मतलब मेच्योर नहीं है। मेच्योर सेल्स आर ऑलवेज नॉन न्यूक्लिएटेड ओके, ये इमैच्योर रहता है, बड़ा साइज होता है नॉर्मली, यही साइज ब्लड सर्कुलेशन में आ गए तो दिस इज अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसको हमने क्या बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, आरबीसी कैसे होता है, आरबीसी सबसे पहले बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है, सबसे बहुत बड़ा होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, इसके बाद में स्टेज वाइज वो क्या होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होते जाता है ठीक है। एरिथ्रोइड से सबसे पहला स्टेज एरिथ्रोइड होता है, एरिथ्रोइड में न्यूक्लियस रहता है, बड़ा साइज रहता है, एरिथ्रोइड से अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट होता है, अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट, लेट नॉर्मल ब्लास्ट, लेट नॉर्मल ब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स से एरिथ्रोसाइट्स ओके। दिस इज अ मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी ओके। सबसे पहला मॉर्फोलॉजी में क्या होता है द बिगर साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, देन द कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस, देन द आरबीसी इज बाय द न्यूक्लियस टू द नॉन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और हीमोग्लोबिनाइजेशन होता है ओके। इधर न्यूक्लियस ऐसा ही रहता है और हीमोग्लोबिनाइजेशन होता है, ये बड़ा साइज ही पेरिफेरल सर्कुलेशन में मिक्स होता है, तो बड़ा साइज ही यही पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ गए तो ये बॉडी सेल्स के लिए काम के लिए नहीं होता है। इस टाइप का एनीमिया को हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, इस टाइप का एनीमिया क्या बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। डेफिनेशन देख लीजिए, वो पॉलिक एसिड विटामिन बी12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, आरबीसी चेंजेस होने के लिए, आरबीसी न्यूक्लियस से नॉन न्यूक्लिएटेड होने के लिए ये विटामिन बी12 पॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को डेफिशिएंट की वजह से लिए ओके, लार्ज इमेच्योर एबनॉर्मल ओके रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई दी बोन मैरो, दिस इज कॉल्ड एज मेगालोब्लास्ट विच आर ट्रांसपोर्ट टू दी पेरिफेरल सर्कुलेशन ओके। सो दिस टाइप ऑफ एनेमिया इज कॉल्ड एज मेगालोब्लास्टिक एनेमिया, इस टाइप का एनेमिया को हमने मेगालोब्लास्टिक एनेमिया बोलते हैं ठीक है। सो ये विटामिन बी12 कैसे काम आता है हमारा बॉडी के अंदर, हम इसके बारे में हम स्टडी करेगा। सबसे पहले देख लीजिए विटामिन बी12 हमारा बॉडी के अंदर दो तरफ से मिलता है, एक एनिमल से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, दूसरा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ ओके, वेजिटेबल से भी मिलता है, प्लांट से भी मिलता है, मीन्स प्लांट्स ओके। जो प्लांट्स से विटामिन बी12 मिलता है, हमने जैसा प्लांट्स वेजिटेबल्स हमने फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद बर्न आउट होता है, इसलिए वेजिटेबल से हमने कच्चा वेजिटेबल्स खाए तो विटामिन बी12 मिलता है, अगर हमने उसको बर्न किया तो आप कुकिंग किया तो वेजिटेबल्स में से विटामिन बी12 क्या होता है बर्न आउट होता है। एनिमल में किस में होता है, सो एनिमल प्रोडक्ट्स में मिल्क में होता है ओके, और मीट में होता है ओके, मीट में होता है, चिकन में होता है, मीट चिकन मिल्क ओके, एग, तो इसमें विटामिन बी12 रहता है, विटामिन बी12 का सोर्सेस है। जैसा है अभी इसमें विटामिन बी12 है
विटामिन बी 12 हमारे बॉडी के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आरबीसी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेता अच्छा हो जाएगा। ओके, ये विटामिन बी 12 है। सबसे पहले ये विटामिन बी 12 एनिमल प्रोडक्शन में है। वो विटामिन बी 12 को हमने क्या करते हैं, हमने खा लेते हैं। विटामिन बी 12 इधर विटामिन बी 12 वो विटामिन बी 12 अकेला कभी होता नहीं है। विटामिन बी 12 के साथ ये एनिमल है, एनिमल प्रोटीन मिक्स होता है। एनिमल प्रोटीन विटामिन मतलब विटामिन बी 12 को अदर वर्ड ब्यूटीफुल गर्ल भी बोलते हैं विटामिन बी 12, क्योंकि ये विटामिन बी 12 कभी भी अकेला होता नहीं है, किसी के साथ घूमते रहते हैं। विटामिन बी 12 का अकेला कोई छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल होता है वो लोग, इसलिए। ठीक है, विटामिन बी 12 के साथ एनिमल प्रोटीन बाइंड है, मतलब ऑलरेडी एनिमल्स के अंदर है विटामिन बी 12, एनिमल प्रोटीन बाइंड है उसके साथ। सो जब हमने विटामिन बी 12 को खाते हैं तो मौत से विटामिन बी 12 को खाते हैं स्टमक में आता है। ओके, स्टमक में आ गया। सो विटामिन बी 12 के साथ कौन है, एनिमल प्रोटीन है। सो एनिमल प्रोटीन बाइंड है, एनिमल प्रोटीन उसके साथ में है। ठीक है, उधर स्टमक में दो टाइप्स के सेल हमने पढ़ाया है, एक चीफ सेल्स, दूसरा पैराइटल सेल्स, नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी। ठीक है, चीफ सेल से पेप्सिनोजन रिलीज होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिनोजन। पैराइटल सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, इंट्रेंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है। ठीक है, जब विटामिन बी 12 एनिमल प्रोटीन के साथ मिक्स होकर स्टमक में गया, इधर माउथ में मतलब माउथ में सलाइवा, इधर सलाइवा में एक और प्रोटीन होता है, उसको आर बाइंडर बोलते हैं। उसको आर बाइंडर मीन्स रैपिड बाइंडर प्रोटीन, ये रैपिड बाइंडर प्रोटीन। ओके, ये खाने के टाइम माउथ पे सलाइवा में आता है विटामिन बी 12, तब क्या करते हो आर बाइंडर। ओके, आर बाइंडर विटामिन बी 12 के साथ मिक्सअप होने के लिए कोशिश करता है, मतलब उसके साथ मिक्स होने का मतलब आर बाइंडर को दिस इज द फर्स्ट लवर ऑफ विटामिन बी 12 भी बोलता है। विटामिन बी 12 का फर्स्ट लवर आर बाइंडर है। क्यों? क्योंकि जैसा विटामिन बी 12 आता है मौत पे, जैसा आर बाइंडर सडनली दौड़ के आता है उसके साथ मिक्स होने के लिए, पर मिक्स नहीं होता क्योंकि उसमें ऑलरेडी एनिमल प्रोटीन उसके साथ में है, इसलिए क्या होता है आर बाइंडर चुप रहता है। जैसा स्टमक में आता है विटामिन बी 12, जैसा आर बाइंडर उसको फॉलो अप करता है, मतलब उसके पीछे पीछे आता है, विटामिन बी 12 का पीछे पीछे आता है। क्यों आता है, मतलब उसके साथ मिक्स करने के लिए। ओके, सो विटामिन बी 12 इधर ब्यूटीफुल गर्ल बोलते हैं आर बाइंडर को, उसको फर्स्ट लवर ऑफ विटामिन बी 12, क्यों उसको पीछे पड़ता है। ओके, विटामिन बी 12 का पीछे आर बाइंडर पीछे आता है, और इधर आर बाइंडर विटामिन बी 12 के साथ कभी मिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी एनिमल प्रोटीन है, सो एनिमल प्रोटीन है इसलिए उसको पीछे पड़ता है। फिर बाद में क्या होता है, स्टमक में चीफ सेल्स पैराइटल सेल्स दो तरफ से सेल्स होता है। स्टमक में पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन होकर कन्वर्ट होता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन होकर कन्वर्ट होता है। ये पेप्सिन क्या करता है, वो विटामिन बी 12 के साथ एनिमल प्रोटीन जो है, ये एनिमल प्रोटीन को खा लेता है, एनिमल प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है, एनिमल प्रोटीन को क्या करता है डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब इधर विटामिन बी 12 क्या हो गया, फ्री हो गया, विटामिन बी 12 फ्री हो गया। विटामिन बी 12 एनिमल प्रोटीन के साथ आया था, ये जैसा पेप्सिन है विटामिन बी 12 को डाइजेस्ट कर लेता है, तब विटामिन बी 12 फ्री हो गया। सो फ्री होने के बाद पैराइटल सेल से इंट्रेंसिक फैक्टर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इंट्रेंसिक फैक्टर भी एक प्रोटीन सब्सटेंस है, ये इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 के साथ मिक्सअप होने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसके साथ मिक्स होने के लिए सब कोशिश करता है। पर इधर ऑलरेडी एक पीछे पड़ा है आर बाइंडर, रैपिड बाइंडर बोलते हैं उसको, ऑलरेडी रैपिड बाइंडर माउथ से स्टमक तक आ गया विटामिन बी 12 के साथ मिक्सअप होने के लिए। सो इधर दो प्रोटीन, एक इंट्रेंसिक फैक्टर एक आर बाइंडर, दोनों विटामिन बी 12 के साथ मिक्स होने के लिए क्या करता है, फाइट करता है। फाइट करने के टाइम क्या होता है, विटामिन बी 12 चांस देता है आर बाइंडर को, क्योंकि आर बाइंडर पहला से कब से वो पीछे पड़ा था, इसलिए चांस आर बाइंडर को मिलता है। आर बाइंडर क्या करता है, विटामिन बी 12 के साथ मिक्सअप होता है। सो विटामिन बी 12 के साथ आर बाइंडर मिक्सअप होने के बाद विटामिन बी 12 आर बाइंडर दोनों डुओडेनम में आता है। ओके, डुओडेनम में आता है। सो विटामिन बी 12 आर बाइंडर दोनों साथ में डुओडेनम में आता है, इधर क्या होता है, तब इंट्रेंसिक फैक्टर इसको पीछे पड़ लेता है, ये सेकंड लवर है। ठीक है, इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन बी 12 को पीछे पड़ लेता है, विटामिन बी 12 आर बाइंडर दोनों साथ में ऑलरेडी। सो इधर ड्यूओडेनम में ड्यूओडेनम जजिनम ड्यूओडेनम में हमने पढ़ाया है
पैंक्रियाज आता है। सो पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूस आता है। ये पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस से एंजाइम्स आता है, ये आर बाइंडर को, आर बाइंडर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। आर बाइंडर प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। आर बाइंडर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, यूटाइन ग्लूटल फिर से, यूटाइन ग्लूटल फिर से क्या होगा, फ्री हो गया। यूटाइन ग्लूटल फिर से फ्री हो गया। यूटाइन ग्लूटल फ्री हो गए तो अभी इसके साथ कौन मिक्स होता है, इंट्रांसिक फैक्टर। अभी इंट्रांसिक फैक्टर तब स्टमक से पीछे पड़ा है, तो यूटाइन ग्लूटल फ्री होगा, तब इंट्रांसिक फैक्टर क्या होगा, यूटाइन ग्लूटल के साथ मिक्सअप होगा। ओके, तब ये इंट्रांसिक फैक्टर यूटाइन ग्लूटल दोनों साथ में कहाँ जाता है, ईलियम तक जाता है, टर्मिनल ईलियम। ठीक है, ईलियम पे जाने के बाद क्या होता है, ये ईलियम पे ये रिसिप्टर्स होता है यूटाइन ग्लूटल का। ये रिसिप्टर से एक एंजाइम रिलीज होता है, रिसिप्टर से एक एंजाइम रिलीज होता है, वो एंजाइम इंट्रांसिक फैक्टर्स को खा लेता है। ये एंजाइम इंट्रांसिक फैक्टर को क्या करता है, डाइजेस्ट कर सकता है, डाइजेशन करता है, तब यूटाइन ग्लूटल फिर से फ्री हो गया। ठीक है, ये यूटाइन ग्लूटल फ्री हो गया, कहाँ फ्री हो गया, ईलियम में। ईलियम क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। हमारा बॉडी के अंदर ज़्यादा कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, ईलियम में एब्जॉर्ब होता है। डायरेक्टली यूटाइन ग्लूटल एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, सो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद स्टोर होता है लीवर में, लीवर में स्टोर होता है, कहाँ होता है, हेपेटोसाइट सेल्स में। हेपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट इन दी लीवर, दिस कंसिस्टिंग ऑफ यूटाइन ग्लूटल। हेपेटोसाइट सेल्स में क्या होता है, यूटाइन ग्लूटल होता है। ओके, ईलियम से लीवर तक यूटाइन ग्लूटल को ट्रांसफर करके ट्रांसफर करता है। एक इसका ट्रांसफर करने के लिए एक व्हीकल होता है इधर, ट्रांसकोबालमिन बोलते हैं उसको, ट्रांसकोबालमिन, ट्रांसकोबालमिन बोलते हैं उसको। ठीक है, ट्रांसकोबालमिन इज है ट्रांसपोर्टर विच हेल्प्स टू ट्रांसफर ऑफ यूटाइन ग्लूटल फ्रॉम टर्मिनल ईलियम टू दी लीवर। टर्मिनल ईलियम से लीवर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से यूटाइन ग्लूटल कहाँ गए, लीवर पे चले गए। सो लीवर क्या करते हैं, तब लीवर जब भी ये लीवर यूटाइन ग्लूटल को थोड़ा थोड़ा बोन मैरो को देता रहता है, थोड़ा थोड़ा बोन मैरो को, बोन मैरो को यूटाइन ग्लूटल देता रहता है। यूटाइन ग्लूटल लेके क्या करते हैं, ये आरबीसी मॉर्फोलॉजी होते रहते हैं। जैसा आरबीसी मॉर्फोलॉजी होने के लिए यूटाइन ग्लूटल और फॉलिक एसिड ऐसा इंपॉर्टेंट होता है। यूटाइन ग्लूटल कहाँ से मिलता है हमारे बॉडी के अंदर, हम खाना खाने से, मीट खाने से एंड वेजिटेबल खाने से। कच्चा वेजिटेबल खाने से यूटाइन ग्लूटल मिलता है, और मीट खाने से डायरेक्ट यूटाइन ग्लूटल मिलता है। ये यूटाइन ग्लूटल लीवर में 5 साल तक स्टोर होता है। ओके, हमने एक बार यूटाइन ग्लूटल खा लिया, वो 5 साल तक लीवर में स्टोर होता है। जब प्रोडक्शन करता है तब लीवर क्या करता है, थोड़ा 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 यूटाइन ग्लूटल को, यूटाइन ग्लूटल ये स्टेम सेल्स को देता है, बोन मैरो को देता है। बोन मैरो यूटाइन ग्लूटल यूज करके आरबीसी को मेचर करते हैं, मॉर्फोलॉजी करते जाता है। ओके, दिस इज व्हाट द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ विटामिन ग्लूटल, विटामिन ग्लूटल है। वन सेकेंड, आई विल रिवाइज दिस डेफिनेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ यूजुअली लार्ज एबनॉर्मल इमेच्योर आरबीसी प्रोडक्शन कॉल्ड एज मेगालोब्लास्ट। ओके, विच इज रिलेटेड, विच इज रिलीज इन टू द ब्लड सर्कुलेशन दी। ओके, ये लार्ज इमेच्योर एब नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होता है। दिस इज ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन ग्लूटल। फॉलिक एसिड एंड विटामिन डेफिशिएंट की वजह से ही ये ऐसा लार्ज इमेच्योर होता है। ओके, ये उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी मैंने समझाया विटामिन ग्लूटल को कैसे होता है। जैसा हमें विटामिन ग्लूटल दो तरफ से मिलता है, मीट से, एनिमल से। जैसा मीट से हमने खाता है, मीट से खाने के टाइम ऑलरेडी एनिमल का अंदर विटामिन ग्लूटल एनिमल प्रोटीन के साथ बाइंड अप होता है। सो जैसा हमने खाता है वो खाने के बाद स्टमक में चला जाता है। सो सलाइवरी जूस में आर बाइंडर करके एक प्रोटीन होता है, वो विटामिन ग्लूटल को देख के क्या करते हैं, उसके साथ मिक्स होने के लिए आता है। पर ऑलरेडी एनिमल प्रोटीन होता है इसलिए उसको मिक्स होने के लिए चांस नहीं मिलते हैं, ये पीछे पड़ जाता है विटामिन ग्लूटल का पीछे। सो पीछे पड़ने के बाद स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद स्टमक में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, चीप सेल्स, पैराटल सेल्स। चीप सेल्स ये पेप्सिन कन्वर्ट होकर क्या करता है, ये एनिमल प्रोटीन को खा लेता है। एनिमल प्रोटीन खा लेने के बाद इधर इंट्रांसिक फैक्टर्स भी आता है और आर बाइंडर भी, दोनों साथ में विटामिन ग्लूटल के साथ में मिलने के लिए आता है। और विटामिन ग्लूटल का सबसे पहला चांस मिलता है आर बाइंडर को। सो आर बाइंडर मिक्स होता है, आर बाइंडर मिक्स होने के बाद आर बाइंडर विटामिन ग्लूटल दोनों साथ में कहाँ आता है, ड्यूओडेनम में आता है। सो जब इंट्रांसिक फैक्टर उसके पीछे पड़ जाता है, ड्यूओडेनम में
डुओडेनम में मतलब पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है, वो पैनक्रियाटिक जूस उसको आर बाइंडर को डाइजेस्ट करते हैं, तब ब्यूटाइन ब्यूटोल अगेन फ्री हो गया, उसके साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर मिक्स हो गया। ओके, इंट्रिंसिक फैक्टर ब्यूटाइन ब्यूटोल दोनों साथ में टर्मिनल ईलियम में आ गया, टर्मिनल ईलियम में ब्यूटाइन ब्यूटोल का रिसेप्टर्स होता है, ब्यूटाइन ब्यूटोल का रिसेप्टर से एक एंजाइम रिलीज होता है, वो एंजाइम ओके ये एंजाइम इंट्रिंसिक फैक्टर्स को खा लेता है, फिर से ब्यूटाइन ब्यूटोल फ्री हो गया, तब ब्यूटाइन ब्यूटोल उधर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है, ब्लड से लिवर में जाता है, ट्रांसकोबालमिन एक ट्रांसपोर्टर होता है उससे लीवर में चला जाता है, लीवर में स्टोर होने के बाद ओके ब्लड प्रोडक्शन के टाइम ओके बोन मैरो को थोड़ा थोड़ा विटामिन ब्यूटोल को बोन मैरो को देते रहते हैं लीवर। सो दैट्स व्हाई इस विटामिन ब्यूटोल इज वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर विटामिन ब्यूटोल ही कम हो गए तो ये मॉर्फोलॉजी होता नहीं, वो नॉन न्यूक्लियस से नॉन न्यूक्लिएटेड होता नहीं है, ठीक है, हीमोग्लोबिनाइजेशन नहीं होता, रिप्लिकेशन नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, डीएनए से डीएनए नहीं होता, डीएनए से आरएनए नहीं बनता, रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उसको। ओके, मतलब इतना ही ध्यान रख दीजिए, ये रेड ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी होता नहीं है, एक्चुअली स्टार्टिंग बोन मैरो से बड़ा आरबीसी निकलता है, ओके, उसको हमने एरिथ्रोसाइट बोलता है, बड़ा से छोटा छोटा होके ओके एक आरबीसी बनाता है, ये प्रोसेस होता नहीं है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट ये क्यों होता है, कॉजेस क्या है, फैक्टर क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेगा। थैंक यू वेरी मच।